हेलो दोस्तों, आज की कथा है विजयदशमी और दशहरा की कथा। नवरात्रि के 10वें दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, जिसे विजयदशमी के नाम से जानते हैं। इसी दिन दशहरा भी मनाया जाता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि यह दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रि के पावन पर्व का समापन 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ होता है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दशहरे का त्योहार भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी वजह से इस दिन को दशहरा भी कहा जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक ही दिन मनाया जाने वाला दोनों त्योहार एक नहीं बल्कि अलग-अलग होता है। अगर आपको भी लगता है कि विजयदशमी और दशहरा एक ही हैं, तो यह गलत है। तो आज इन कथाओं से जानते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। विजयदशमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार, जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने धरती से लेकर स्वर्गलोक तक अपने अत्याचार से हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, तब देवी दुर्गा माँ ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वीं के दिन उसका वध कर दिया था। दुर्गा माँ की इस विजय को विजयदशमी का नाम दिया गया है। दशहरे की कथा। वही दशहरे की पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। राम जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद 10वीं के दिन रावण का वध किया था और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। धन्यवाद।